प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 परिवारों को गृह प्रवेश। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेशम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। संसद के मॉनसून सत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता सूची में 23 नए विधेयक। अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले 11 विधेयक सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल। राज्यसभा और लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की रविवार को होगी बैठक। अयोध्या फैक्ट्री बोर्ड की निगमीकरण की निगरानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन। समूह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार भी शामिल। अयोध्या फैक्ट्री बोर्ड की स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता में सुधार लाने के लिए निगमीकरण। स्टार्टअप को समर्थन के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी। गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने कारोबार करना सुगम बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की दिशा में किया श्रेष्ठ प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, स्टार्टअप के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार के कदमों को मिल रहे हैं अच्छे नतीजे। और कोरोना महामारी के मद्देनजर पेंशन भोगी बुजुर्गों को बड़ी राहत। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की मौजूदा समय सीमा में सरकार ने दी ढील। अब 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं प्रमाण पत्र। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सुविधा।